पहाड़ियों में पैदा की जाने वाली तमाम फसलों में से धान एक मुख्य फसल है, जिसे दुनिया के 80% किसान अपने खेतों में उपजाते हैं। पर किसान भाइयों की मेहनत पर, उनकी उपज पर, उनकी उम्मीदों पर हमला करने के लिए कई तरह के कीड़े पतंगे पहले से तैयार बैठे रहते हैं। ऐसे में किसान भाइयों के लिए बड़ा मुश्किल भरा काम हो जाता है कि कैसे वो इन हमलावरों से अपने फसल की रक्षा करें और कैसे उन पर लगाम लगाएं। लगाम लगाने से पहले हमें पता भी होना चाहिए कि हमारी फसलों को बर्बाद करने वाले कीड़े कौन सी जाति के हैं, मतलब किस किस प्रकार के हैं और हमारी फसलों में किस तरह की बीमारी पनप रही है। मेरे किसान भाइयों, आइए हम आपको बताते हैं फसलों के उन खतरनाक दुश्मनों के बारे में, उन कीड़ों के बारे में जो हमारी मेहनत पर पानी फेरते हैं। ये हैं दीमक, तनछेदक, सफेद कीड़े और स्टेम बोरर्स। ये कीड़े फसल की किसी भी अवस्था में धान के पौधों को छेदकर उसके गाभा को अंदर से काट देते हैं, जिसके कारण पौधों का गाभा सूखा दिखाई देता है और बालियां निकलने के समय इन कीड़ों के प्रकोप की वजह से केवल सफेद बालियां ही नजर आती हैं और दाने अंदर से खोखले हो जाते हैं। ज्यादातर फसल की शुरुआती अवस्था से ही ये कीड़े पौधों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग कंपनी आप सबके लिए लेकर आए हैं इंडिया ग्रो भू अस्त्र। जी हाँ, देश दुनिया में उपलब्ध तमाम रासायनिक विकल्पों में से सबसे सर्वोत्तम परिणाम देने की ताकत रखने वाली औषधि है भू अस्त्र, जो दीमक, तन छेदक, सफेद कीड़े और स्टेम बोरर्स जैसे हमारी फसलों के दुश्मनों को खाक में मिला देती है। दोस्तों, भू अस्त्र में व्याप्त कैरिफिलिन मिट्टी में रहने वाले कीड़ों के लिए एक प्राकृतिक न्यूरोटॉक्सिन है, जो कीड़ों की मांसपेशियों को दबाकर उन्हें कुचलकर सीधे उनकी तंत्र कोशिकाओं पर हमला करता है और उन्हें पल में ही लकवा ग्रस्त कर देता है, कीड़ों को गतिहीन कर देता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनका खात्मा कर देता है। परिणाम स्वरूप फसल के विकास और उसकी पैदावार में फिर कोई बाधा नहीं रहती। भू अस्त्र एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और केमिकल रहित है, और तो और भू अस्त्र हमारी फसलों के लिए कतई जहरीली भी नहीं है और इसमें व्याप्त न्यूरोटॉक्सिन स्थायी तौर पर कार्य करता है। भू अस्त्र की विशेषता ये है कि सभी प्रकार के मिट्टी के कीड़े और मिट्टी के अंदर सोए हुए कीड़ों को भी कंट्रोल करती है, और मिट्टी के अंदर कीड़ों का जो प्यूपा होता है यानी कीट भंडार, ये उस पर भी आसानी से नियंत्रण करती है। मिट्टी से कीड़ों को साफ करने का एक कारगर उपाय है भू अस्त्र। भू अस्त्र का छिड़काव 2-3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए और पौधों को खेतों में लगाने के लिए 15 से 20 दिन के बीच इसका प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अपनी धान की फसल से इन खतरनाक दुश्मनों को खाक में मिटाने के लिए फौरन इस्तेमाल कीजिए इंडिया ग्रो का भू अस्त्र।